नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मोहिनी और वशीकरण दो ऐसे तंत्र हैं जिसका प्रयोग बहुत ही संभल कर करना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मोहिनी या वशीकरण कभी ऐसा प्रभाव नहीं डालता है कि आप जैसा बोलो वैसा अगला व्यक्ति करे। हाँ, आपसे उसके संबंधों को सुधारना, ये काम होता है मोहिनी का। दूसरा सिद्धांत जो मोहिनी का है वो ये है कि ये आप ऐसे ही व्यक्ति पे कर सकते हो जो आपको पहचानता हो, मतलब जिसका एनर्जी सिग्नेचर ने आपके एनर्जी सिग्नेचर को जीवन में कभी ना कभी छुआ हो। आप यहां पर बैठ करके और मोहिनी और वशीकरण अगर चलाओगे हॉलीवुड की एक्ट्रेस पे तो वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। आज जो मैं आपको ऐसे मोहिनी देने वाला हूं, ये 30 दिन की मोहिनी है, अनार के जड़ से कैसे करते हैं मोहिनी। ये मैंने कई बार बोला है कि अगर पति पत्नी में संबंध खराब हो या कहीं ऐसा जगह संबंध खराब हो जाए जहां होना नहीं चाहिए, बहुत बार साथ रहने से और दो चार लोग आसपास होने से ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जीवन में जो आप चाहते नहीं, और एक बार जब सिचुएशन खराब होना शुरू होता है जीवन का तो वो बिना किसी कारण के खराब होता जाता है। और जब आप उस भंवर से निकल जाते हैं, लड़के अलग हो जाते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि जो हमने लड़ाई की वो तो किसी काम की ही नहीं थी, वो तो किसी मतलब का ही नहीं था। और फिर आपको लगता है कि अगला वापस आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपका जैसा टेम्परामेंट हो, आपका जैसे ईगो कूल डाउन हुआ है, अगले का भी हो, लेकिन आप सच में चाहते हैं कि अगला वापस आ जाए। जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि पत्नी रूठ के चली गई है, अब सुनना नहीं चाहती, या पति रूठ के चले गए हैं, अब मान नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी केसेस आते हैं अपने लाइफ में भी सुना होगा, तो मैंने हर बार बोला है कि एक अनार का जड़ तोड़ के रखिएगा। आज उस जड़ को तोड़ने से लेकर के उसको मोहित करने का पूरा विधान मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को, अनार के पेड़ के पास जाना है संध्या के समय, सूर्योदय से पहले, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा रोली जिसका आप टीका लगाते हैं, थोड़ा चावल और एक मौली लेकर के जाइए, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख करके एक मंत्र पढ़िए 108 बार। क्या मंत्र है? मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इसको पढ़ के जो आपने कुमकुम लाया है और जो चावल लाया है उसको उस पेड़ के जड़ में डालिए और उसके चारों तरफ मौली बांध दीजिए। मौली बांधते हुए आप निमंत्रण देंगे कि हे वनस्पति देवता, कल प्रातः मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ये पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन ये निमंत्रण देके आप दूसरे दिन ले जाएं, या अमावस्या की रात में आप इसका निमंत्रण देके प्रतिपदा को ले जाएं, ठीक है। इतना करने के बाद सुबह सुबह जैसे सूर्योदय होता है, देखो आपके लिए आप पेड़ का टहनी तोड़ना या जड़ तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन तंत्र के हिसाब से जब भी आप कोई क्रिया करते हो, पंच महाभूत जहां पर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हर पंच महाभूत, जैसे कि अगर आप जमीन खोदते हो तो हर 9 फीट पे एक देवता माना जाता है, उसकी पूजा होती है, उसको बलि मिलता है। उसी तरीके से जब आप वृक्ष का पूजा करते हो ना, तो वृक्ष के कई देवता होते हैं, तो उनको बिना नाराज किए हुए उनका प्रार्थना करते हैं। सुबह सुबह जाइए, बिल्कुल स्नान ध्यान करके जल डालिए उस पेड़ के जड़ में, और उसके बाद बोलिए, इस पेड़ पर निवास करने वाले जितने बेताल हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, ऋषि हैं, सर्प हैं, मैं सबसे इस वृक्ष के जड़ को अपने घर ले जाने की आज्ञा मांगता हूं, ठीक है। इसको संस्कृत में भी आपको श्लोक बता सकता था, लेकिन इसको सिंपल रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि आप उस पेड़ को खंडित कर रहे हैं तो क्षमा मांगा जाता है कि नमस्ते मृत संभूते बिल्वर विवर्धनी
बलामुश्चक चौ में देही पाशा नाम माम त्राही दुरव। ठीक है, इतना करके आप जो भी आपको जो तोड़ना है उस पर हाथ लगाइएगा, और या फिर अगर जड़ आपको कोड़ना है तो कोड़ना शुरू कीजिएगा और बोलिएगा कि हे कल्याणमयी भगवती जो है यहाँ पर निवास करती है, वो मेरे कार्य को सफल करे, वो मेरे कार्य को सिद्ध करे और उसके बाद स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करे। और जैसे ही आप तोड़ने लगिएगा तो जल में हाथ लगा के मंत्र बोलिएगा, राम ह्रीम चंडे हुम फट स्वाहा। और जैसे तोड़िएगा तो दूसरा मंत्र बोलिएगा, ओम ह्रीम छौम फट स्वाहा। ठीक है, इतना करके उसके बाद उसको निकालिएगा, उसका धोइएगा, ओम वन डंडे महाडंडाय स्वाहा। अगर उसमें एक भी गांठ हो तो ये मंत्र अनिवार्य हो जाता है। उसको धो करके फिर घर ले आइएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरे दिन से 30 दिन की विधि शुरू होगी। इसीलिए मैंने बोला प्रतिपदा से शुरू करोगे तो अगले अमावस्या में आप जो है इससे मोहिनी कर पाओगे। देखो, इस मोहिनी का प्रयोग करना, जैसे अगर प्रेम संबंध प्रगाढ़ था टूट गया या आपका परिवार बिखर रहा है तब इस मोहिनी का प्रयोग करना, ठीक है। अन्यथा अनर्गल प्रयोग करोगे तो ये समय की बर्बादी होगी। जहां आप नहीं जुड़े हुए वहां पे ये अति प्रभावशाली, मतलब संबंधों को सुधारने के लिए बहुत प्रभावशाली मोहिनी है, लेकिन ये मोहिनी काम नहीं करती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपको अपने बाएं हाथ में थोड़ा सरसों का तेल लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो हृदय का जो बीज है रम, उसका जाप करना है 5 मिनट तक उसको देखते हुए। ठीक है, और फिर तीसरी उंगली जो आपका जो मिडिल फिंगर होता है उससे इस तेल को लेना है और अपने हृदय में स्पर्श करवाना है और बोलना है लम, 5 बार इसको लम 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 ऐसा करके आप स्पर्श कराएंगे। इस पूरे क्रम में आपके बाएं हाथ में अगर मातृ पक्ष है तो उसके नाम का ये जो जड़ आपने तोड़ के लाया उसको 2 टुकड़े में करके एक लाल मौली में बांध के जब बाएं हाथ में आप रम का जाप करेंगे तो उस हथेली पे ये उस उंगली में ये टंगा होना चाहिए अनार का। ठीक है, और जब आप लम का जाप करते हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है और जो भी पुरुष होगा उसके नाम से जो जड़ रहेगा वो इस हाथ में आपका टंगा होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब हाथ में आपने तेल ले लिया, ठीक है, उसी के उंगली में आपने एक ताबीज जो बनाया, कैसे बनाया, वो अनार का जड़ लाया था उसको 2 टुकड़े में बांटा, छोटा सा एक टुकड़ा लिया उस पे मौली बांधी ऐसा कि आपके आपके हाथ में वो बन जाए जहां ताबीज बांधते हैं, और उसको अपने बाएं हाथ के अंगूठे में या फिर किसी भी उंगली में फंसा दिया और तेल हथेली में रख के रम का जाप किया 5 मिनट तक। ठीक है, अब जब दाहिने हाथ का काम शुरू है, क्या है कि मध्यमा से आप उस तेल को छूते हैं और अपने हृदय पे लगाते हैं और बोलते हैं लम। ठीक है, तो उस समय इस दाहिने हाथ में दूसरा टुकड़ा होना चाहिए अनार के जड़ का जो कि मौली में बंधा हो। जो बाएं हाथ में जड़ रहेगा वो नाम से रहेगा उस महिला के जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर वो साधिका है तो साधिका, और अगर उस पर प्रयोग हो रहा है तो वो महिला बाएं हाथ में ही रहेगी और जो भी पुरुष पक्ष है वो दाहिने हाथ में रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी 5 बार लगाने के बाद जो तेल बच जाएगा उसको आप अपने मणिपुर चक्र में लगा लेंगे, मतलब नाभि के आसपास उसको लगा लेंगे। ठीक है, और तब भी अगर बच जाए तो उसको फेंक दीजिएगा, ये तेल किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा आपको 30 दिन तक करना है। ठीक है, 30 दिन करने के बाद जो पूर्ण आहुति वाला दिन है उस दिन आप अपने, अगर महिला है तो बाएं हाथ वाला जो आपका ताबीज आपने अनार का बनाया था उसको आप अपने आर्म में पहन ले। ठीक है, और राइट हैंड में जो पुरुष के नाम पे अगर आप मोहिनी कर रही हैं तो उसको रखें और 11 बार, ठीक है, उसको देख के लम 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 ऐसे करके आपको जाप करना है। और उसके बाद अगर वो पुरुष आपके साथ है तो उसको पहना दीजिए उसके दाहिने हाथ में।
अगर पुरुष महिला पे कर रहा है तो पुरुष पहले अपना जो उसने बनाया है उसको अपने हाथ में पहले बाएं में रखे जड़ को, और उसके बाद 11 बार उसको देख के लम 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 जाप करे और उसके बाद उस महिला को दे दे। अब सवाल आता है कि अगर महिला या पुरुष जिस पे मोहिनी हो रही है वो नहीं है तो क्या होगा? तो आपने जो खुद के लिए बनाया है यंत्र, ठीक है, उसको आप पहन लो। आप उसको पहन लोगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिस पे मोहिनी होनी है तो वो भी आपके तरफ खींचा चलाता है। एक बार वो खींचा चलाए तो उसको वो पहना दो। देखो तो दो क्यों बनवाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों चाह रहे होते हैं कि ठीक हो, या फिर प्रेमी प्रेमिका दोनों चाह रहे होते हैं कि चीजें ठीक हो, लेकिन चीजें इस हद तक बिगड़ जाती हैं कि वो एनर्जी वाइज इतनी बुरी हो जाती है कि ठीक ही नहीं हो सकता है, वो उस उधेड़ बुन से निकल नहीं पाता है। तो वैसे में दोनों को पहनना चाहिए। अब जैसे ही जब दोनों पहनता है ना तो इसका प्रभाव मतलब मल्टीपल टाइम्स मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। तो इसको आप लोग इस साधना को कीजिए, बहुत गुप्त साधना है, लेकिन आप सभी को इसलिए दे दिया कि मैं कितनों को बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही। जिन्हें बेसिक साधना से जुड़ना है, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो मेरा नंबर 9431188585 पर मैसेज करें। बेसिक साधना ग्रुप 3 महीना चलता है। इसमें आप लोगों को आसन बंधन और दिशा बंधन, हर तरीके का बंधन सिखाया जाता है, यानी गुरु मंत्र से पहले जितना विधान आपको जानना चाहिए वो सब आपको सिखा दिया जाता है। जिनको समस्या के लिए बात करना है वो चाहे तो www.agurtantrahasya.xyz पर जाकर के या .com पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। उसमें रुद्रनाथ CM4 आप सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी को खुश रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।